पीड़िता से जो चर्चा हुई है, तो दो दिन पहले तक तो जो बयान वो दे रही थी अपने पक्ष में, आज उसके बयान बदले हुए हैं। और वो इतनी डरी हुई है कि उसको बात करने में भी झिझक थी, और ये डर था उसको कि कहीं उससे हम लोग बात करेंगे तो उसका अपना बच्चा साथ में था, तो ऐसा नहीं कि शायद प्रशासन और उसके परिवार का दबाव हो कि कल CM आ रहे हैं और उस दबाव में उसको दबा दिया गया हो कि आप बात नहीं करेंगी, और अगर बात करेंगी तो आपको परिवार से अलग कर दिया जाएगा, या जो सुविधाएं हॉस्पिटल से दी जा रही हैं वो नहीं आपको मिलेंगी। तो जो भी कुछ कर रहे हो, पर पीड़िता बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है, और आज उसको लेके हम लोगों ने कलेक्टर के यहाँ गए, बात भी की है कि उसे सुरक्षा मिले और वो अपनी बात कह सके कि उसकी पीड़ा क्या है, क्योंकि उसकी जो पीड़ा है वो लगता है कि आज प्रशासन ने उसको चारों तरफ से दबाव बनाकर दबा दिए गए उसकी आवाज़ को, क्योंकि कल CM आ रहे हैं, CM के आने से ऐसा ना हो कि कहीं कोई हंगामा हो जाए, तो उस महिला की आवाज़ को दबा दिया गया है, वो पीड़िता है और उसको न्याय मिलना चाहिए।